हेलो एवरीवन माय नेम इज़ प्रशांत सिंह परमार आज हम लोग सी ए फाउंडेशन जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट रेशियो स्टार्ट करेंगे डन चलिए ओके रेशियो आप लोगों ने पढ़े होंगे आप लोग कॉमर्स के बच्चे आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा ना लाइक ए इज टू बी एक रेशियो होता है ए इस टू बी को क्या लिख सकते हैं ए डिवाइड बाय बी ए अपॉन बी और ए अपॉन बी को क्या सकते हैं ए डिवाइड बाय बी एक और अगर मेरे पास देखा रेशियो टू टू थ्री एग्जाम्पल देख के समझते हैं टू अपॉन थ्री एंड टू अपॉन थ्री को क्या लिख सकते हैं आप सबको पता है ओके अच्छा बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन जब ये फ्रेक्शन में होता है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं नीचे वाले को डिनोमीटर ऐसे जो रेशियो होता है इसमें फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं पता है क्या आपको यस द फर्स्ट वन इज योर एंटीसीडेंट फर्स्ट वन को क्या बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट एक बार मेरे साथ बोलना आप कि कई बार हम बोलने में गलती करते हैं क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट इसको क्या बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट याद बोलते हैं okay. क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट फर्स्ट वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड सेकंड वन इज कॉन्सिक्वेंट सेकंड वाले क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्क्वेंट याद रह जाएगा नाम आपको दैट ग्रेट फर्स्ट वन इज योर एंटीसीडेंट एंड सेकेंड वन इज योर कॉन्सिक्वेंट ये आपको याद रह जाना चाहिए चलो ओके okay. एक क्वेश्चन और बड़ा सिंपल से मैं आपसे पूछ देता हूँ होमन क्लेचर के बाद में ए अपॉन बी आपका है टू बाय थ्री एंड बी अपॉन सी आपका फोर बाय फाइव नाउ यू हैव टू फाइंड ए इज टू बी इज टू सी ओके ट्राई करिए स्टूडेंट्स ठीक है और अगर आपको ट्रैंकली सर और टाइमिंग चाहिए तो आप मेरी वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं ओके okay, चलो अब सॉल्व कैसे कर करना है मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करूँ पर आप वीडियो को पॉज करते थे जब तक आपको ट्राई करना है अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है पी कॉमन है और बी की वैल्यू इधर कितनी है फोर और इधर कितनी है थ्री कुछ मत करो इधर बी की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो फोर बाय फोर से और ये वाली बी की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो थ्री बाय थ्री से देखो

ट okay, triplicate triplicate. में, में क्या करेंगे क्यूब क्यूब डुप्लीकेट में साउंड डबल की आ रही थी स्क्वायर किया था ट्रिप्लीकेट में साउंड ट्रिपल की आ रही है लाइक टूज टू थ्री का

सब डुप्लीकेट कितना हो जाएगा फोर इज फोर इज ये होता है आपका सब डुप्लीकेट ऐसे सब ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है क्यूब रूट ऑफ द रेशियो क्या होता है क्यूब रूट ऑफ द रेशियो जैसे बस आपको देखा है ट्वेंटी सेवन इज टू एट ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट कितना होता है थ्री एंड एट का कितना होता है टू तो आंसर इज टू इज अ सब ट्रिप्लीकेट तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है फर्स्ट वन इज योर रेशियो रेशियो में फर्स्ट वाले एंटीसीडेंट एंड सेकंड वन इज कॉन्सिक्वेंट उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा डुप्लीकेट डुप्लीकेट का मतलब था स्क्र ऑफ द रेशियो फिर क्या पढ़ा ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब ऑफ द रेशियो फिर क्या पढ़ा सब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है रिवर्स यानी स्क्वायर रूट और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब था क्यूब रूट बस बेसिक चीजें बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे okay. पहला क्वेश्चन ओके इनवर्स रेशियो ऑफ इनवर्स का मतलब पहले मैं आपको इनवर्स का मतलब बताता हूं जैसे x की पार अगर माइनस वन हो जाए इसको इनवर्स बोलते हैं इसका मतलब होता है अपॉन वैसे इनवर्स का मीनिंग बता रहा हूं ठीक है ऐसे इनवर्स और रेशियो होता है अगर मैं बी का इनवर्स निकालना है तो कुछ मतलब उसको उल्टा लिख दो तो हो जाएगा बी इज टू इलेवन इज टू फिफ्टीन का इनवर्स हो जाएगा फिफ्टीन इज टू इलेवन आंसर इज इनवर्स का, yes, का मतलब रिवर्स रेशियो ऑफ टू क्वानिटीज थ्री इज टू फोर थ्री फोर इफ एंटीसीडेंट इज फिफ्टीन फाइंड देंट कुछ मत करो थ्री टू फोर इफ दीडेंट इज फिफ्टीन तो पहला एक्सल कर सकते इसे इसको कट किया तो कितना होता है फाइव फाइव फोर जाए ट्वेंटी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन

आंसर है जो C7. एक नया वर्ड है कंपाउंडेड कंपाउंडेड का मतलब इन सारे रेशियो को क्लब करना इन सारे रेशियो करना क्लब और क्लब का मतलब यहाँ हो गया मल्टीप्लाई करने से किससे हो गया मल्टीप्लाई करने से तो जितने भी रेशियो दे रखिए कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्लब तो करना क्लब का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना हम तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वन इज योर बाय मल्टीप्लाई बाय

सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ सब सब का फोर इज टू नाइन एंड द डुप्लीट ऑफ थ्री इज टू फोर कंपाउंडेड का okay. मल्टीप्लाई करना ये तो कंफर्म हो गया कंपाउंडेड का मतलब किसका करना है फोर इज नाइन मल्टीप्लाई किससे करना डुप्लीकेट ऑफ थ्री इज टू फोर थ्री फोर डुप्लीकेट

ट्रिप्लीकेट ऑफ टूज टू थ्री टू थ्री का ट्रिप्लीकेट कितना एट बाई ट्वेंटी सेवन एंड नाइन बाई सेवन का आंसर चलो मैं कट अलग पैंसिल कर देता हूं नाइन से नाइन कैंसिल ओके और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या तीन से इसको कैंसिल कितना होता है टू इससे कैंसिल गया टू से कट हुआ कितना होता है थ्री ऊपर हो गया टू नीचे हो गया आंसर जो सी टू बाई ट्वेंटी समझ में आया क्या ओके चलो कैलकुलेशन तो एक बार मैं इरेज कर देता हूँ पर मैं एक बार कॉन्सेप्ट को वापस लिखता हूँ द रेशियो कंपाउंडेड कंपाउंडेड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना और फोर स्टूडेंट मैंने लिखा फोर स्टूडेंट

ट ऑफ टू थ्री ट्वेंटी सेवन डुप्लीकेट ऑफ नाइन सब ट्रिप्लीकेट ऑफ फाइव डन अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है ना आपका आंसर आज मेरे मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूँ वैसे आपका स्केल सी है तो गलती होने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं सी ए फाउंडेशन में चल हम लोग देख लेते हैं से इसको कट किया तो अपॉन में फाइव

एंड बी की जगह फोर पुटअप कर दो चलो एक ही जगह थ्री पुटअप करते हैं तो टू थ्री जा सिक्स जगह मैंने थ्री पुटअप किया ध्यान रखना बी की जगह फोर एंड थ्री फोर जा ट एक ही जगह वापस से थ्री इंटू थ्री नाइन एंड फोर इंटू फोर सिक्सटीन द वैल्यू इज योर एटीन बाय ट्वेंटी आंसर इज योर डी एटीन बाई ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट वन

तो भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 9763 यहाँ पे 180 से मल्टीप्लाई करने पे 9 9 इंटर को 99 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ओके अगला क्वेश्चन क्या दरकर डी डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई ठीक है अब तो जो रेशियो दरका वो दरका 11 से 7 अब आप पूछा एक्स और वाई को कितना मिलेगा बड़ी सिंपल सी बात है रेशियो इलेवन इज टू सेवन है तो एक्स का कितना हो जाएगा इलेवन बाय एटीन एंड एक्स का ये और वाई का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका सेवन बाय एटीन मल्टीप्लाई करेंगे थ्री ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फोर कट करेंगे एटीन एटीन इंटू एलेवन वन नाइनटी एट एंड एटीन से एटीन इंटू सेवन 126, I think. Done. The option is D. None of these. None of these है. फिर भी आपको पता होना चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? Very good. Next one. अच्छा देखो, promote धन करता है. अच्छा एक बार चीज़. क्वेश्चन को आप आराम से पास कभी एक बार ट्राई भी कर सकते हैं. Done. Promote धन करता है 80 रुपीस इन 7 घंटे. Sorry. Anand धन करता है 80 रुपीस इन 7 घंटे. And promote जैसे मेरी आपने एनुअल सैलरी निकाल दी और सामने वाले की आपने मंथली सैलरी निकाल दी तो कभी रेशियो नहीं है तो इसके लिए करना क्या होता है दोनों का इक्वल लो तो हम आनंद का भी परार कर लेते हैं प्रमोद का भी परार का लेंगे तो आनंद का परार कितना है एटी बाय सेवन रेशियो प्रमोद का कितना है नाइन्टी बाय ट्वेल्व और आज मैंने क्लास स्टार्ट करी उसमें लिखा था ना ए एस टू बी को आप क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी और ए अपॉन बी का मतलब होता है ए डिवाइड बाई बी ठीक है तो रेशियो लिखा हो चाहिए डिवाइड एक ही बात हो तो मैंने यहाँ डिवाइड हो गया और डिवाइड को उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई एटी बाय सेवन इन टू वेरी गुड जीरो से जीरो कैंसिल अगर मैं इसको इससे कट करूंगा तो फोर बाय थ्री एट फोर जो थर्टी टू एंड सेवन थ्री जो ट्वेंटी ए ऑप्शन थर्टी टू बाई थर्टी वन नेक्स्ट वन हो हो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है तो रेशियो रेशियो ऑफ ऑफ टू टू नंबर 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 एक एक जाएगा जाएगा बेटा डिफरेंस डिफरेंस से हम लोग क्या करेंगे छोटे को माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे बेटा? 10X

ईक्ली तो नाइन है इसको नाइन बाय नाइन से मल्टीप्लाई करो ईक्ली तो इलेवन है इसको इलेवन बाई 11 से मल्टीप्लाई करो अब टेम्परेचर बताओ पी आर पी कितना हो गया नाइनटी नाइन क्यू कितना हो गया वन जीरो एट एंड आर कितना हो गया एटी एट ये तो क्या गया पी क्यू आर का टेम्परेचर पूछा क्यू और आर का सिर्फ क्यू और आर को उठा लेते हैं तो क्यू का कितना है वन जीरो एट एंड आर का कितना है एटी एट दोनों को अगर मैं फोर से कट करूं, ट्वेंटी सेवन और यहाँ आएगा ट्वेंटी टू रेशियो है क्या यस द रेशियो इज यू ट्वेंटी टू ठीक ये क्वेश्चन बहुत इजी है एक्स एस टू वाई आपको थ्री टू फोर दे रखा तो X क्या पुटअप करेंगे थ्री एंड वाई की जगह क्या पुटअप करेंगे फोर और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ध्यान रखना चलो फिर भी मैं पुटअप कर देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन तो वाई क्यू वैल्यू कितनी है फोर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री वाई की वैल्यू फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन नेक्स्ट एक्स क्यूब थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन एंड फोर का क्यूब सिक्सटी थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी एट और नीचे होगा नाइनटी वन एटी फोर अपॉन नाइन्टी वन अभी कौन से नंबर से कट रहा है पता है कि आपको कौन से नंबर से कट रहा है यहाँ बच्चे कई बार गलती करते हैं इतना आने के बाद इसको नॉन टिक करके आते हैं नहीं ये सेवन से कट रहा है सेवन से कट करेगा तो ऊपर ट्वेल्व और नीचे कितना आ जाएगा थर्टीन ऑप्शन इज योर बी ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे कई बार बच्चे मैंने देखा है सीपीटी में गलत करके आता सी ए फाउंडेशन सॉरी गलत करके आते हैं करेक्शन प्लीज ध्यान रखना से ओके okay, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इफ पी क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी क्यू क्या है सब डुप्लीकेट रेशियो किसका है इसका पी क्यू तो बराबर करने के लिए पी क्यू का क्या कर देंगे पी इज टू क्यू का स्क्वायर कर देंगे इक्वल करने के लिए पी स्क्वायर अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स हाँ जी स्टूडेंट यहां तक स्टेप समझ में आई क्या पी टू क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो है सब डुप्लीकेट है तो बराबर करने के लिए हमको उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा तो मैंने पी स्क्त क्यू स्क्का यह तो सब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट का मतलब तो स्क्वायर रूट है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा हमने स्क्वायर कर दिया अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो पी स्क्वायर थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं हम लोग इनका कलर चेंज कर लें स्क्वायर और ये इधर जाएगा क्यू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्यू मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है अब यहां करने के बाद में जो बच्चे होते हैं नॉन मेस वाले यहां अटक जाते हैं अब क्या करें परेशान मत रहो किसकी वैल्यू है क्वेश्चन में पूछा देन एक्स स्क् की वैल्यू निकालनी, की बाकी चीज़ को एक तरफ करो तो देखो एक्स स्क् एक इन, एक तो इन, इन दोनों को एक तरफ करो या तो इन दोनों उधर लिया या इन दोनों को उधर लिया तो मैं लेचर्स में लेकर आक्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू अब एल एच एस में से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर बच्चे का क्या क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वो लिख दिया यहां पे से क्या कॉमन आ रहा है पी क्यू पी क्यू कॉमन आने का बचा क्या क्यू माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू पी क्यू और क्यू माइनस ऑफ पी लिख दिया मैंने इसे क्या हुआ क्यू स्क्वायर माइनस पी अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा एक फॉर्मूला छोटा सा जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा है क्या लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला पढ़ा है ना यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे तो पी क्यू क्यू माइनस ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर क्या था क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी Q -P से कैंसिल तो तो आंसर है या Q plus P एक ही बात डन ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम्स प्रैक्टिस जरूर करना पहले तो क्वेश्चन की टू टू थ्री टाइम्स प्रैक्टिस करना है सीपीटी एग्जाम में दो बार आ चुका है ठीक है पहले सी ए फाउंडेशन सीपीटी बोलते हैं इसलिए डन ओके इस बार टू एस टू थ्री टी इज डुप्लीकेट ये डुप्लीकेट है किसका इसका इसका मतलब ये डुप्लीकेट है तो इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन थ्री टी माइनस पी का होल स्क्वायर का होल स्कौर। अब सुन मैं एक ही करके स्टेप लिखूंगा आराम से देखना इसको समझने की कोशिश करना ठीक है एस को टू एस और थ्री डी को थ्री डी टू एस का स्क्वायर फोर एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अच्छा ये फॉर्मूला बताना है क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है ना तो माइनस फोर एस अपॉन थ्री टी का स्क्वायर नाइन स्क्वायर पी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका सिक्स पी टी अब गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां कर टू एस एन टी स्क्वायर दस पी स्क्वायर सिक्स पी टी देख लो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है एक छोटी सी गड़बड़ से वापस सॉल्व करना पड़ जाएगा ध्यान रखना ए टी टी यहाँ आएगा फोर एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस फोर एस मल्टीप्लाई करते हैं तो एटीन एस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका टू एस पी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व एस पी टी थ्री मल्टीप्लाई होगा ट्वेल्व टी एस स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और थ्री इंटू फोर ट्वेल्व एस पी टी अब देखो थोड़ी सी मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा अब देखो तो कुछ चीज वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या

माइनस थ्री टी पी स्क्वायर बाकी को तो ले जाओ ट्वेल्व एस टी एस स्क्वायर माइनस एटीन एस टी स्क्वायर तो पी स्क्वायर कॉमन ले लो क्या बचेगा टू एस माइनस थ्री टी इसमें से सिक्स कॉमन आ रहा है और एस टी भी कॉमन आ रहा है सिक्स एस बचेगा क्या टू एस माइनस थ्री टी कैंसिल स्टार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फाइव स्टार कर देता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन अच्छा इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी करनी चाहिए आपके पास वीडियो है आप बार बार, बार इसको बैक करके एक बार देखो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना आपसे रिक्वेस्ट क्योंकि अगर इस आप सॉल्व करने लग जाओ तो आपको थोड़ा सा मैथड में कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप है प्लीज पर तो फोकस करना ओके पी क्यू की वैल्यू देखिए एक्स वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पुटअप करो आंसर धमा धम दम आएगा फाइव पी एक्स प्लस थ्री क्यू वाई मैं क्वेश्चन एक बार कॉपी कर रहा हूँ टेन पी एक्स प्लस फोर क्यू वाई तो फाइव का फाइव रखा पी की वैल्यू उठाई टू एक्स की वैल्यू है फोर प्लस थ्री इंटू क्यू क्यू इज योर थ्री एंड वाई इज योर फाइव ट पी की वैल्यू टू एक्स की वैल्यू कितनी है फोर फोर टू की वैल्यू थ्री एंड वाई की वैल्यू फाइव फाइव जो टेन फोर्टी थ्री थ्री जो नाइन नाइन फाइव जहा फोर्टी फाइव ओके टेन एटी ट्वेंटी सिक्सटी फाइव बाई वन फोर मेरे पास तो कैलसी नहीं है मैं तो वैसे ही कट कर, कर लेता हूं बाय ट्वेंटी एट ऑप्शन में है क्या द ऑप्शन इज सी डन स्टूडेंट्स तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन नेक्स्ट वन मूव करें हम लोग ओके नेक्स्ट वन व नंबर विच वेल सब्टेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो नाइनटीन इज टू थर्टी वन रिड्यूस टू वन इज टू फोर नाइनटीन बाय थर्टी वन में से हम क्या रिड्यूस रिड्यूस कर लेते हैं रेशियो क्या बन जाएगा वन इज टू फोर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाइनटीन फोर जा सेवेंटी सिक्स माइनस फोर एक्स इट्स थर्टी वन माइनस ऑफ एक्स तो ये एक्स इधर एक ही तरफ जाएगा तो थ्री एक्स सेवनटी सिक्स माइनस फोर्टी वन इट्स फोर्टी फाइव एक्स की वैल्यू आ रही है वो रही फिफ्टी ऑप्शन एस ऑप्शन ए डन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या रखा है वापस बताना है चलो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं टू 31 में से क्या माइनस से क्या दो माइनस एक्स कर दो तो रेशियो कितना रहन इज टू फोर जो हमने सॉल्व किया जाएगी सॉल्व कर लेंगे ना आप तो ओके okay. ऑफ़ टू परसेंट आर इन द तो एक e मुझे बताओ आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो ओके okay, अगर इनकम में से इनकम में से अगर मैं कर दू तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर देखो इनकम है ना फोर एक्स में से मैंने सेविंग माइनस करू दोनों में से तो रेशियो किसका है एक्सपेंडिचर तो सेवन इज टू नाइन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा तो हंड्रेड एक्स तो की वैल्यू कितनी आएगी हंड्रेड पहले की इनकम हो जाएगी फोर हंड्रेड एंड दूसरे की इनकम हो जाएगी फाइव हंड्रेड इनकम को क्या माना फोर एक्स एंड फाइव एक्स क्लियर है क्या इन कौन सा ऑप्शन बहुत फर्जी सा क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी बात है इनकम में से सेविंग माइनस करते तो क्या आता एक्सपेंडिचर मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत कलाकार है स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8 दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो 7:8 पहली वाली 7 दूसरी वाली 8 ओके सेकंड फोर हंड्रेड किलोमीटर इन फाइव आवर्स द स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड एक्स लिख दो 7 by 8. X by 80. इसे इसको कट कितना तो X की वैल्यू कितनी होगी ऑप्शन सी दे रखा है ना से किलोमीटर पर आवर डन ओके चलिए स्टूडेंट्स होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा डन एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना इसके अच्छे से प्रैक्टिस करने का कर, हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट proportion. Thank you, friend. Thank you so much. Bye everyone.